Welcome to Pro Study Zone, and today we'll see some current affairs. So the topic is world's first fishing cat census, which is done in Chilica. So the Chilica lake hai, it is the largest brackish water lagoon lake. ठीक है, और ये जो स्प्रेड करती है ये ओडिशा में है ये लेक, और ये पूरी खुदरा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है ओडिशा की, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर देयर, और ये ईस्ट कोस्ट में है इंडिया के और माउथ ऑफ दया रिवर, एंड दिस फ्लोज इन टू बे ऑफ बंगाल. इट कवर्स अ एरिया ऑफ 1100 किलोमीटर पर स्क्वायर, और ये जो है सेकेंड बिगेस्ट लेक है आफ्टर वेम्बनाड लेक. जो चिलिका लेक है वो क्या है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून लेक है, और इसमें जो है 176 फिशिंग कैट्स हैं जो कि ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं. तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड का फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस हुआ था, और ये पहला ऐसा सेंसस था जो जिसमें ना पॉपुलेशन का एस्टिमेशन किया गया था फिशिंग कैट का, और आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में, और इस सेंसस को किया था चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और कोलेबोरेशन विद फिशिंग कैट प्रोजेक्ट. जो पहला फेज था वो हुआ था 2021 में, जिसमें 115 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मार्शलैंड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न सेक्शन ऑफ चिलिका लेक एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. और जो फेज टू था दैट हैपेंड इन दैट कंडक्टेड इन 2022 एंड द परिकुंड साइड अलोंग द कोस्टल आइलैंड ऑफ चिलिका. अप्रोक्सीमेटली 150 कैमरास ट्रैप्स वर डिप्लॉयड इन टू फेजेस विद ईच फिक्स्ड इन द फील्ड फॉर 30 डेज. 30 डेज के लिए फिक्स किया गया था, एंड स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड वॉज यूज टू एनालाइज द डाटा. इसमें जो था पार्टिसिपेशन था लोकल फिशरमैन का, विलेजर्स का, जो कि प्राइमरी पार्टिसिपेंट थे, और उनके सपोर्ट से ये शायद हो नहीं पाता. यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने भी वॉलंटियर किया था. ये जो है ये है फिशिंग कैट. तो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से ये जो सेंसस है इट वॉज डन सक्सेसफुली. और ये जो कैट है ये ग्लोबली थ्रेटन कैट है. इसको ये जो फाउंड होती है ये मेजर साउथ साउथ ईस्ट नेशन साउथ ईस्ट एशियन रिवर बेसिन में फाउंड होती है, जो स्टार्ट करता है इंदस से पाकिस्तान से लेके मेकोंग इन वियतनाम एंड इन श्रीलंका एंड जावा. तो यहाँ पे भी ये फाउंड होती है. ठीक है, और दे आर फाउंड इन 10 एशियन कंट्रीज बट हैव बीन स्टेड अनडिटेक्टेड इन वियतनाम जावा सिंस लास्ट डिकेड और सो. तो इन कंट्रीज में वियतनाम एंड जावा में ये अनडिटेक्टेड है करीब 10 साल या उससे ज्यादा. और जो वेटलैंड्स हैं एशिया के वो क्या हो रहे हैं, वो अब लॉस्ट हो रहे हैं अलार्मिंग रेट पे. ठीक है, कोई प्रॉपर डाटा नहीं होने के कारण उनका जो करंट स्टेटस है और जो बेसलाइन डाटा है वो भी अब मिस हो रहा है, मिसिंग हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, स्टेटस जो है मैनी वेटलैंड्स का और जो भी स्पीशीज है उन वेटलैंड्स में वो क्या है, स्टडी नहीं हो पा रही है उनकी, और उनमें से कुछ हाईली थ्रेटन भी हो सकती है. देयरफॉर ट्रैकिंग स्पेशलिस्ट स्पीशीज सच एज फिशिंग कैट गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट बी हैपनिंग टू दिस इकोसिस्टम व्हिच आर सेफगार्ड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट्स. तो रीजन ये है कि भाई इनको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या थ्रेट हो रहे हैं, जो भी ऑनगोइंग क्लाइमेटिक चेंज है उसकी वजह से क्या थ्रेट हो रहा है इकोसिस्टम पे. ठीक है, एंड व्हाट दी सेफगार्ड्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट देम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस इन चिलिका. ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. I'll share the PDF. Thank you. Please do like, share, subscribe, Pro Study Zone.